मंत्रिमंडल के विस्तार का जो विषय है वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल का विस्तार वो कब करेंगे नहीं करेंगे, किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे नहीं करेंगे, यह उनका स्पेशल प्रेरोगेटिव। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नीतीश मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। बता दें कि फिलहाल कांग्रेस की ओर से यह कहा गया है कि 23 जून के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, जिसमें राजद कोटे से दो मंत्री बनेंगे, वहीं कांग्रेस कोटे से दो मंत्री होंगे। हालांकि अभी इस बात की मुहर नीतीश कुमार की तरफ से नहीं लगी है कि 23 जून के बाद किस तारीख में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। जब यह सवाल जदयू से किया गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना है, तो क्या कुछ कहना है जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा का, पहले आप वह सुने। मंत्रिमंडल के विस्तार का जो विषय है वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल का विस्तार वो कब करेंगे नहीं करेंगे, किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे नहीं करेंगे, यह उनका स्पेशल प्रेरोगेटिव है। हम लोग संगठन से जुड़े लोग हैं, हम लोगों की इस पर प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं बनता है। हमें लगता है कि पहले भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सही समय पर बिहार के हित में सही फैसले लिए हैं और आने वाले समय में भी सही फैसला करेंगे। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें, लगातार मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चा तेज थी। हालांकि आनन फानन में जिस तरह से जितना मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जहां रत्नेश सदा को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। हालांकि कांग्रेस के द्वारा कई बार यह कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की ओर से कोई जवाब इसका नहीं दिया जा रहा था। हालांकि आज भी जवाब नहीं है। जिस तरह से जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि इसका निर्णय नीतीश कुमार लेंगे, लेकिन कांग्रेस आखिरकार किस उम्मीद से जो है मंत्रिमंडल में जगह को लेकर के कहा है, अब यह तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जिस तरह से नीतीश कुमार से यह लगातार गुहार लगा रहा था कि कांग्रेस के दो नेताओं को जगह मिलनी चाहिए कैबिनेट में, हालांकि नीतीश कुमार के तरफ से इस पर कोई बातें नहीं कही गई है। लेकिन 23 जून के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, ऐसा कांग्रेस ने दावा किया है। वह दिन कब होगा, वह तारीख क्या होगा, यह तो समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जदयू के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ही तय करेंगे, वहीं आरजेडी के भी प्रवक्ता शक्ति यादव हैं, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही इस पर फैसला लेंगे, तेजस्वी यादव फैसला लेंगे। तो आखिरकार वह दिन कब आएगा, क्या कांग्रेस को इसी तरह नीतीश कुमार अंधेरे में रखेंगे या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस उम्मीद में अभी कांग्रेस है, क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस को के दो नेताओं को जगह मिलेगी या नहीं, फिलहाल जिस तरह से 23 जून को विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक रखी गई है, इस बैठक में फलाफल क्या निकलने वाला है, और वहीं क्या 23 जून के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है, क्या नीतीश कुमार कांग्रेस के दो नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देंगे या नहीं, ये देखने वाली विषय होगी। फिलहाल इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।